मानी। रो बेटा, बेटा रो, दिल पत्थर का हो जाएगा। सकीना, सकीना इसको रुलाओ, रुलाओ इसे। सुहानी, सुहानी, देख सुहानी, सरे अब चला गया। सुहानी देख इधर, सुहानी, सुहानी, आजा बेटा, अपने दूल्हा को आखिरी बार देख ले, आखिरी दीदार कर ले इसका। या तेरी दुनिया में दोबारा नहीं आने वाला, ये जा रहा है तुझे छोड़कर सुहानी। वो चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। तो तेरे आप कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं, यहाँ से कोई वापस नहीं आता। असफन भाई, आप कहीं नहीं लेके जा रहे हैं जरिया आपको। असफन भाई प्लीज रोक जाए। असफन भाई, जरिया आप कहाँ जा रहे हैं? असफन भाई लेके जा रहे थे। नहीं लेके जा रहे हो प्लीज। असफन भाई प्लीज, मेरे बेटे मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? अरे इतनी क्या जल्दी थी जाने की? मेरे मरने का इंतजार तो कर लिया होता। अरे देख बेटा, अपने बूढ़े हाथों से तुझे कब्र में उतार कर तेरे कदमों में बैठा हूँ मैं, खाली हाथ हो गया हूँ। मैं इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन, अमीर तरीन आदमी, आज तुझे इस मट्टी में डाल कर अपना सब कुछ गवा बैठा हूँ बेटा। खाली हाथ रह गया हूँ, खाली हाथ रह गया हूँ मैं। दरियाब, साहब सब्र करें, शाह साहब हौसला करें। अरे मेरी दुनिया लुट गई है अहमद साहब, मैं कैसे हौसला करूं, कैसे करूं? जरिया सिर्फ आपका बेटा नहीं था, वो मेरा बेटा भी था। उसका दुख सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगा, सारी जिंदगी हमारे साथ। क्या किया जा सकता, सब्र के सिवा क्या किया जा सकता? अहमद साहब, मैं तो दुनियादार आदमी हूं, मेरी तो दुनिया ही लुट गई है, कैसे सब्र करूं, कैसे हौसला करूं? मत रो सुहानी, मत रो, बस अब बस करो सुहानी, हौसले से काम लो। पहले मुझे ले चलो, जहाँ जरिया तो मुझे वहां पे ले चलो। वो तो चला गया बेटा, मनो मट्टी के नीचे, वहां कोई नहीं जा सकता। पहले मुझे कब्रिस्तान ले चलो प्लीज। औरतें तो बस घर पर बैठकर ही रोती हैं। बस करें आप लोग, अब और ना रुलाएं से, चुप कर जाओ सुहानी। मोना, चाहो जाकर मेहमानों के खाने का बंदोबस्त करो, भूख लगी होगी उन्हें। नहीं, हमें भूख नहीं। सकीना, कुछ थोड़ा सा खा लो, सुबह से तुमने नाश्ता किया हुआ है, और सुहानी को भी कुछ खिला दो,
इतनी देर तक उसका भूखा रहना उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, हमें भूख नहीं है, आपको भूख लग रही है तो आप खा ले। नहीं बहन, मैं तो जा रही हूँ। आंटी, मैं सुहानी को उसके कमरे में लेके जा रही हूँ, आप लोग वहीं भिजवा दें कुछ। उठो बेटा, आ जाओ, उठो बेटा। तो खुदा की बातें करते हैं ना, तो क्या बिगड़ जाता अगर कुछ साल और दरियाब जिंदा रह जाता तो? शाह साहब, ये है वो, ये उसकी मर्जी है, उसकी मसलहत वही जानता। उसे कहे कि मेरी सारी जायदाद, मेरी फैक्ट्रियां, मेरा सारा पैसा ले ले। अरे दरियाब को एक मोहलत और दे दे, अपने होने वाले बेटे का चेहरा तो देख ले। शाह साहब, मोहलतें रहती दुनिया में मिला करती हैं। आइए चलते हैं। मैं तो तेरी माँ हूँ के हम तेरा दुख नहीं बता सकते, चाहे जितना भी रो लो मगर तेरा दुख हल्का नहीं होगा। सुहानी, मेरा बच्चा, मुझे बता, मुझे बता मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। आंटी, आप मैं तो, अगर आप इतना रोएंगी तो सुहानी कैसे चुप होएगी? तो बेटा तुम ही कहो ना इसे कि ना रोए, चुप हो जाए। अभी इसका जख्म ताजा है आंटी, कुछ देर तो लगेगी भरते हुए। आप जाके रेस्ट कर ले, मैं हूं सुहानी के पास। अब क्या हो गया? मेरी बच्ची जवानी में बेवा हो गई, ये जख्म तो सारी जिंदगी रहेगा, ये नहीं भर सकता। मैं मेरे साथ क्यों हो गया? चलो जाओ सुहानी। तो आनी सुबह जाओ। दरियाब तो चला गया सारा, अब क्या होगा? ये तो सोचना पड़ेगा मिसेस मांडवी, क्या क्या होना चाहिए। वलीद शाह की तो कमर ही टूट गई। जो मेरे साथ बुरा करता है उसके अपने साथ बुरा हो जाता है। क्या मतलब? मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं था, वलीद शाह सुहानी के चक्कर में मुझे इस घर से निकालने वाला था और अपना बेटा चला गया इस दुनिया से। जरी, आपके जाने का तुम्हें दुख तो हुआ होगा। दुख? हाँ, कुछ दुख तो है, लेकिन इतना भी नहीं जितना अपने बेटे का होता है। लेकिन वलीद शाह तुम्हें क्यों निकालने लगा था घर से? इसलिए कि सुहानी अब उनके लिए ज्यादा अहम है। वो शाह फैमिली के वारिस को जन्म देने वाली है। फिर तो इस घर में सुहानी का स्टेटस वीआईपी हो गया होगा। हाँ, इस वक्त सुहानी का स्टेटस वाकई वीआईपी है। शाह साहब ने कहा है कि उसको किसी किस्म की टेंशन ना हो, कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। इसी बात को तो लेकर हम दोनों में टेंशन चल रही है। अगर ये सब इसी तरह चलता रहा सायरा, तो कहीं तुम्हारा पत्ता ना कट जाए। साहिरा का पत्ता इतनी आसानी से नहीं कटने वाला। अब मैं ये भी जानती हूँ कि अभी इस घर में मेरी पोजीशन वीक है,
लेकिन तुम देखती जाओ, आज ही मैं इस पोजीशन को चेंज कर दूंगी। वो कैसे? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वलीद शाह का जवान बेटा फौत हुआ है, और जब आदमी बिखर चुका हो, टूट चुका हो, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है। मिसेस मार्टवी वाला, इससे पहले कि उनका सहारा सुहानी बने, मैं उनका सहारा बनूंगी, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बिखरे हुए लम्हों में किसी को कैसे शिकार किया जाता है। सब चले गए जी, चले गए, सब चले गए। ये जाने वाले तो वापस आ जाएंगे, मगर हमारा जरिया अब कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वलीद साहब, ये सब कैसे हो गया? हमारा जवान बेटा देखते देखते हमारे हाथों से निकल गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दरिया आपके बगैर जिंदा कैसे रहेंगे। मैं तो गश खा के गिर पड़ी थी, फिर मैंने अपने आप को संभाला सिर्फ आपके खातिर। तुम्हारा ये हाल है तो सोचो सुहानी का क्या हाल होगा। अरे मैं तो ये सोच रहा हूं कि कैसे उसका सामना करूंगा, किन लफ्जों से उसको दिलासा दूंगा। आप सुहानी की फिक्र ना करें, उसके पास राहिला है, और हाथ यहीं ठहरेगी। मुझे तो आपकी फिक्र हो रही है। मेरा क्या है वलीद साहब, असल में नुकसान तो आपका हुआ, आपका जख्म बहुत बड़ा। आपके दिल पर क्या गुजर रही है किसी को क्या मालूम। वलीद, इस वक्त आपको तवज्जो की, हमदर्दी की, मोहब्बत की जरूरत है। यही सोचकर मैंने अपने आप को संभाला कि ये तवज्जो, ये मोहब्बत मैं ही आपको दे सकती, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के दुख को समझते। आप आराम करें, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। कामरान, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कॉल की है, तुम मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड करते? मेरी मर्जी है सारा, जब चाहूंगा तुम्हारी कॉल रिसीव करूंगा, जब चाहूंगा नहीं करूंगा। तो अब क्यों कॉल की?
मुझे अफसोस है सारा, तुमने मेरे बेटे को छोड़कर जिसको अपना बेटा बनाया था आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। कामरान तुम मुझे बताओ मेरा बेटा जिंदा है ना? नहीं सारा, तुम्हारा बेटा तो कब का मर गया बेटी, अब जो जिंदा है तो सिर्फ मेरा बेटा। कामरान कामरान मेरी बात सुनो। वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा है। तुम उसे जितना मर्जी छुपा लो, वो मुझे जरूर मिलेगा। अगर नहीं मिला तो वो मैं तुमसे छीन लूंगी, छीन लूंगी तुमसे। वो मेरा बेटा है।